मेरे पास लेके आया लाल रंग। मैंने कहा ये क्या है, भला आप पढ़ लीजिए। तो मैंने फटाफट वो स्क्रिप्ट पढ़ी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये खून की तस्करी की। हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि देखिए खून सबको लगता है, आप कभी ना कभी बीमार होते हो, किसी भी एज में होते हो, हर एक इंसान को कभी ना कभी खून की ज़रूरत पड़ती है जो कि ब्लड बैंक से मिलता है। तो हमारी मानसिकता क्या है हिंदुस्तानियों की, हमें लगता है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे या ब्लड देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, किसी की नसबंदी हुई है तो नहीं दे सकते ब्लड, कोई परफॉर्मेंस को कमज़ोर हो जाएगा, हर तरह के कुछ रिलीजियस ऐसे मिथ है कि खून नहीं देना चाहिए। और ब्लड बैंक का ये रूल होता है कि अगर आप खून ले रहे हैं तो आपको वो खून से रिप्लेस करना पड़ता है, आप पैसे दे के नहीं ले सकते। पर चूंकि हमारी मानसिकता ऐसी है, हम लोग हिंदुस्तानी क्या है, पैसे दे के खून खरीद लेते हैं। पहले ये फिल्म है लाल रंग, लाल रंग एक खून माफिया पे बेस्ड है जो बहुत ही हीनेस और भयंकर खतरनाक क्राइम है। दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। 2002 में ऐसी घटना हुई है और एक्चुअली होता गया है कि आप किसी रिक्शा वाले या ठेले वाले को पकड़ के उनको 400 रुपये दे के ग्लूकोज का बिस्किट खिला के उनका खून चोरी करके आप आगे बेचते हो 4,000-5,000 में। तो इट्स अ क्रेजी क्राइम, मतलब हमें सब ताजुब हुआ है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये बड़ी अजीब बात है कि मुझे जब स्क्रिप्ट मिली थी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं उस स्क्रिप्ट में एक्चुअली क्या करने वाली हूँ एग्जैक्टली। बट क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत थी, उसकी राइटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, एवरी सीन वॉज अ मास्टर पीस एंड एवरी सीन वॉज डिफरेंट। इट वॉज लाइक अ मिक्स ऑफ अ कमर्शियल प्लस मीनिंगफुल सिनेमा। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मिक्स ऑफ अ ग्रेट सब्जेक्ट एंड फिल्म एंड द मेकिंग एंड द म्यूजिक। सो देयर इज एंड आई डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म नो मैटर वॉट रोल आई गेट। जी मैं एक एस पी का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक हरियाणवी एस पी, और ऑब्वियसली एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है फिल्म। तो कहीं ना कहीं से वो इंस्पायर जो एसपी हुआ है, तो वहाँ लोकल जो हरियाणवी रोहतकी एसपीज होते हैं तो उनमें से एक दो से मेरी बात भी हुई थी। इनफैक्ट ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेरे नाना जी जो थे वो उस मतलब उस टाइम पे तो नहीं, उससे कहीं मेरे भी मेबी 10-20 साल पहले हरियाणा के एसपी थे। और दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू टेक द फिल्म।